हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? बीती रात लिकर पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में अब सुबह आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो परिवार है, उनके जो माता पिता हैं, उनको भी घर में हाउस अरेस्ट किया गया है और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल ANI पर सुबह गोपाल राय की एक बाइट आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, उनके घर के बाहर आया हूं, लेकिन मुझे उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। सारी बातें आप खुद ही उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जिससे मिलने ही नहीं देंगे ये, ऐसी तस्वीर बाकी जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी देखी। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। क्या किस तरीके के खतरे का भी अंदेशा जता रहे हैं? नहीं, पहले संपर्क तो हो। सर आप काफी देर से खड़े हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। क्या करेंगे सर, कैसे अंदर जाएंगे? देखिए, इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस देश में अंग्रेजों ने भी इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बंदूक के दम पर चप्पे चप्पे पे जो है इस देश को रोका था, लेकिन लोग लड़े। जितना ही ये दमन करेंगे उतना ही मजबूती के साथ इस देश में करोड़ों लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। गोपाल राय इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके माता पिता को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके बच्चे बीवी घर में हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तो आखिर उनका क्या दोष है या मेरा क्या दोष है, ऐसा गोपाल राय का कहना है कि आखिर क्यों हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये तानाशाही है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। आपको बता दें ये पूरा मामला कल रात जब ED अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची तब से ही उनके घर के बाहर अफरा तफरी शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए, विधायक आ गए, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता आ गए और इस गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन किया। आज का अगर अपडेट आपको दे तो आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है, ED उनकी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी ने याचिका लगाई है और वहां पर भी आज सुनवाई हो सकती है। तो इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले ललन टॉप पर मिलेगा। केजरीवाल से जुड़ी हर खबर आपके लिए हमारा चैनल लेकर आ रहा है। देश और दुनिया से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।